round, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I found. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Abhijit and you are watching Code Keen. So if you haven't subscribed this channel, please do subscribe. I post Django related stuff. एंड आज इस वीडियो में हम जैंगो का जो हमने पिछले वीडियो में एसिंक जेसन वेब सॉकेट कंज्यूमर बनाया था उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे और उसमें ट्राई टू यूज़ करेंगे लाइक थ्रेड यूज़ करेंगे इसमें और डेटा बहुत सारा जनरेट करेंगे लाइक जो पहले वाला हमने थ्रेड क्रिएट किया था उसका कोड भी थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि यार वो चीज़ तो तुम लोग पिछले वीडियो में पढ़ ही के आए हुए हो ना। तो स्टार्ट करते हैं गिटहब से मतलब कोड पेस्टिंग से क्योंकि वही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग सोचते हैं कि वही करता है भाई कॉपी पेस्ट कोड। चलो स्टार्ट करते हैं थ्रेड TH यूट्यूब जैंगो थ्रेड। उसके बाद चलते हैं एक बनाते हैं थ्रेड डॉट पी वाई और कॉपी करते हैं थोड़ा बहुत कोड। ओके थ्रेड ओके सो डेटा हमारा कॉपी हो चुका है। और एक्सेप्ट ठीक है और इसमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब इंपोर्ट कर लेते हैं सेटिंग ओके। सो एक स्टूडेंट नाम से क्लास भी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर स्टूडेंट नेम एड्रेस और ये सब चीज़ें होंगी तो वो भी चलते हैं कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं भाई लिखने बैठता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस वजह से मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके सो मॉडल्स में चलते हैं नोटिफिकेशन मॉडल पहले से इसको भी इंपोर्ट करके काम ख़त्म करते हैं। ठीक है तो हमारा थ्रेड बन चुका है मॉडल बन चुका है ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड में होम डॉट एस टी एम एल में और यहाँ पर गेट बूट स्ट्रैप से चीज़ें कॉपी करते हैं लाइक टेबल। ठीक है सबसे पहले तो हमें वो उसको कॉपी करना चाहिए था बॉयलर प्लेट डॉक्स और चलते हैं अपने व्यूज़ में जो हमने कोड लिखा हुआ था उसको हटा देते हैं नहीं तो हर बार ये चलेगा। स्टार्ट करते हैं अपना सर्वर ठीक है तो ये हमारी टेबल बन के आ चुकी है। इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं क्योंकि जब इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो स्टाइलिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। कंटेनर और यहाँ पे हमारा ऊपर आएगा प्रोग्रेस बार ओके सो प्रोग्रेस बार यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है थोड़ा सा मार्जिन टॉप और ये सब कर लेते हैं एम टी ओ फाइव पी टी ओ फाइव। और
और यहाँ पे भी कर लेते हैं MT05 PT05। तो ये हमारा UI पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बैकएंड से सारा जो टेबल है लाइक जो भी रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट के वो यहाँ पे रेंडर कराएंगे कंटिन्यूसली। ओके, सो सबसे पहले तो क्या स्टूडेंट का नेम था, उसके बाद आई थिंक उसकी एज थी और एक चीज़ और थी शायद एड्रेस, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे और कितना प्रोग्रेस हुआ है वो भी कंप्लीट कराएंगे। तो चलते हैं अपने पहले तो कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर में लाइक हम न्यू कंज्यूमर यूज़ करेंगे और जो भी हमारा कोड था वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। व्यूज़ में से ही कॉपी पेस्ट अभी कर लेते हैं। चलते हैं अपने कहाँ गया, किस में हम लोग क्रिएट करेंगे, क्या कर सकते हैं लाइक एक API कॉल करा लेते हैं, है ना, वो भी सही रहेगा। या फिर कुछ भी कर सकते हैं यार, डेटा ही तो हमें चाहिए, तो डेटा सेंड करने के लिए हम यहाँ पे एक API कॉल ही करवा लेते हैं। तो अपने व्यूज़ में चलते हैं, एक API बना लेते हैं, डेफ गेट API होगी लाइक उसमें नंबर जाएगा वो उस हिसाब से जनरेट स्टूडेंट करेगा, जनरेट स्टूडेंट डेटा और इसमें टोटल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट टोटल। ओके, और यहाँ पे ये टोटल और अपने जांगो से हम HTTP रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करा देते हैं, फ्रॉम जांगो डॉट HTTP इंपोर्ट इंपोर्ट जेसन रिस्पॉन्स और रिटर्न करा देंगे क्या, रिटर्न स्टेटस ऑफ 200। ओके, सो ये हमारा जनरेट स्टूडेंट वाला कॉल करेगा। अब इसमें हम अपने थ्रेड को इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम थ्रेड फ्रॉम डॉट थ्रेड इंपोर्ट ऑल और इस थ्रेड को हम एग्जीक्यूट करा देते हैं अपने इसमें व्यूज से। ओके, सो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसके अंदर जो भी टोटल आया होगा उस टोटल को हम यहाँ पे पास ऑन कर देंगे। सो जैसे ही ये थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, थ्रेड हमारा यहाँ पे है, कहाँ गया थ्रेड, तो इसी थ्रेड से हम डेटा सेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो कंज्यूमर्स में कंज्यूमर को क्लोज करते हैं, व्यूज़ में चलते हैं, जो ये हमने कोड लिखा था चैनल लेयर वाला इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम पहले कहाँ गया थ्रेड में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये थ्रेड वाला जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मतलब प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या फिर आई बटन क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। ओके, सो अवेट, यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा, SY, ठीक है। सो अब ये हो गया, अब हमें जो डेटा है वो हमें डेटा लेकर के आना पड़ेगा। शायद डेटा भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट यूज़ किया हुआ है, शायद थ्रेड में मैंने लिखा हुआ है कोड, उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अभी हम बता भी देंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करके आए, डेटा हमने एक नाम से डिक्शनरी बना ली जिसमें हम स्टूडेंट का जो भी है, स्टूडेंट का करंट, स्टूडेंट का नेम और उसका ईमेल और उसका एड्रेस, ये चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं। और हम शायद उसमें हमने एज यूज़ करा है तो हम यहाँ पे एज यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी स्टूडेंट एज कर लेंगे। ओके, सो अब ये क्या होगा, तो जिसने पहले पिछला वीडियो देखा होगा भाई उसको सब समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा होगा तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, इसीलिए मैं कहूँगा पहला वीडियो देख करके आओ, ये फिर आएगा समझ में, ठीक। अब हम वही करेंगे, अपना न्यूज़ कंज्यूमर ग्रुप जो हमने ग्रुप बनाया था उसको हम कॉल करेंगे और उसमें ये जो है डेटा कंटिन्यूसली सेंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो अब हम एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, लाइक कि ये थ्रेड हमारा चल रहा है कि नहीं, जो हमारा वेब सॉकेट किंग है उसमें। तो इस API को जो हमने बनाई हुई है, ये छोटी सी API है गेट स्टूडेंट, जो रिक्वेस्ट में डेटा ले करके टोटल डेटा इसमें पास कर देगी, उस हिसाब से कर देगी। तो इसमें हम करते हैं अपने URLs में इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो लिखते हैं पाथ, और ये होगा क्या स्टूडेंट्स करके एक बना लेते हैं स्टूडेंट्स, और जनरेट स्टूडेंट डेटा करके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक बार आवाज़ देख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रही है। चलते हैं यहाँ पे, लिखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, पहले तो हमें माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने माइग्रेशन माइग्रेशन कुछ नहीं चलाया है। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, देन उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, python manage.py रन सर्वर, ओके। और जो कंज्यूमर था वो हमारा सब कुछ सही है। चलते हैं WebSocket King में, WebSocket King से अपना कनेक्शन बिठाते हैं, उसके बाद में इस API को कॉल करते हैं स्टूडेंट स्लैश, और ये क्या ले रहा है, टू क्वेरी पैरामीटर में टोटल। तो यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर में हम टोटल पास करेंगे, टोटल इज इक्वल टू 5 का डेटा पहले जनरेट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या 2 स्टूडेंट का डेटा आता है यहाँ पे। हाँ, डेटा तो नहीं आया, लाइक कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा क्या इशू है। थ्रेड में चलते हैं, थ्रेड में यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं डेटा को, प्रिंट डेटा, ओके। अच्छा, ये थ्रेड नहीं चल रहा है, मे बी क्या हो रहा है, दिक्कत, थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एक सेकंड, अभी हमने एसिंक टू सिंक हटाया हुआ है। str object cannot be interpreted as integer, str object cannot be interpreted as a thread started, like str object cannot be interpreted, oh my god, like सब चीज़ें सही थी, है ना। डिफरेंस यहाँ पे ये होगा, या एक यहाँ पे जो टोटल है इसको हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से इसको रीलोड करते हैं, तो ये देखो इसने डेटा भेज दिया। अब हम चलते हैं वेब सॉकेट को कनेक्ट कराते हैं, और एक बार फिर से लाइक ये डेटा क्यों नहीं आ रहा है, तो दिक्कत क्या थी, यहाँ पे हमें एसिंक टू सिंक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम थ्रेड के अंदर एसिंक अवेट नहीं यूज़ कर सकते, अभी जैंग अभी स्टैक ओवरफ्लो पे एक चीज़ पड़ी थी, तो यहाँ पे करना पड़ेगा एसिंक टू सिंक। और उसके बाद हम अपने इसको टेस्ट कर लेते हैं, लाइक अभी HTML पेज भी बना लिया है बैकएंड में,
और एक बार फिर से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे, और अब देख सकते हो कि ये डेटा ना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये डेटा इतनी जल्दी आ रहा है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लाइक टाइम डॉट स्लीप यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे लिखेंगे टाइम डॉट स्लीप ताकि थोड़ा सा एक मतलब इतनी जल्दी डेटा ना आए, और इंपोर्ट कर लेते हैं टाइम को, इंपोर्ट टाइम, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डेटा हमने पास किया था लाइक, अब इसमें हम क्या करते हैं करंट और टोटल पास करते हैं। तो एक करंट टोटल नाम से वेरिएबल बनाया जो इनिशलाइज करेगा लाइक 50 का डेटा भेजना है तो 50, और हर बार उस करंट टोटल को हम इंक्रीमेंट कर देंगे लाइक इतना डेटा 50 में से 1 क्रिएट हो गया तो 1 को इंक्रीमेंट कर दिया, 50 में से एक और क्रिएट हो गया तो 2 क्रिएट हो गया, तो उसको भी हम यहाँ पे भेजेंगे अपने फ्रंट एंड में। तो करंट टोटल में हम करंट टोटल पास कर दिया, और टोटल में हमने सेल्फ डॉट टोटल पास कर दिया, ओके। और ये जो डेटा है वो हमारा इसमें सेंड नोटिफिकेशन वाले फंक्शन से कॉल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड में, ये फ्रंट एंड में हमने बूटस्ट्रैप का चीज़ एक थोड़ी सी कंप्लीट कर ली है, मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया है। एक यहाँ पे परसेंटेज बार आएगा, ठीक है, और ये टेबल आएगी जिसमें नेम एज और एड्रेस है। अब हम यहाँ पे नॉर्मल से बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट है, अब हम इसमें यूज़ करेंगे लाइक आवाज़ देख ले रिकॉर्ड होती है, क्योंकि इससे पहले वाला सेशन में ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैंने आवाज़ यहाँ पे इसका बटन दबाना पर भूल गया था, चलो कोई नहीं। फिर से चलते हैं स्क्रिप्ट, ओके। स्क्रिप्ट टैग को खोलते हैं और अपनी URL बनाते हैं, URL को हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से वेबसॉकेट किंग से इसको कॉपी किया, और var url इज इक्वल टू दिस। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सॉकेट नाम से वेरिएबल बनाते हैं न्यू वेब सॉकेट, और उसके अंदर URL पास कर देते हैं। और वेब सॉकेट के अंदर हमारे पास कई मेथड्स होते हैं लाइक ऑन, ओपन, ओपन करने के बाद ये फंक्शन ई, और कंसोल डॉट लॉग सॉकेट कनेक्टेड, ओके, सॉकेट कनेक्टेड हो गया। और उसके बाद में होता है हमारे पास मेथड, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और एक हमारा हो गया ऑन मैसेज, क्योंकि जब बैकएंड से फ्रंट एंड में डेटा आता है तो वो ऑन मैसेज वाले उसमें आता है लाइक इस वाले फंक्शन में आता है सॉकेट डॉट ऑन मैसेज में, और जब डिसकनेक्ट होता है तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है ऑन दिस ऑन क्लोज सॉकेट दिस कनेक्टेड। स्पेलिंग को तो ध्यान मत दो भाई, चलो ठीक है, आगे डिस लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें डेट ई को एक नाम से बना लेते हैं वार डेटा, और ई डॉट डेटा, और इसे हमें जेसन डॉट पास करना पड़ेगा, जेसन डॉट पास ई डॉट डेटा को, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग डेटा करा देते हैं। तो अब एक बार पेज को रीलोड करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं, तो जेसन डॉट पास इज़ नॉट अ फंक्शन, जेसन डॉट पास, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे लिख करके आएगा स्टेटस कनेक्टेड फ्रॉम न्यू एसिंक जेसन कंज्यूमर, जो हमने बैकएंड में कंज्यूमर बनाया था कंज्यूमर्स डॉट पी वाई में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन, दो फंक्शन बनाने होंगे। पहला फंक्शन वो इस डेटा, जो भी डेटा बैकएंड से आएगा लाइक जो ये डेटा यहाँ पे आ रहा था, इस डेटा को वो फंक्शन इसमें रेंडर करेगा, और एक फंक्शन बनाएंगे जो इसका प्रोग्रेस बार बढ़ाएगा, ओके। तो चलते हैं, दो फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन एक फंक्शन कौन सा बना सकते हैं, ऐड डेटा करके, ओके, और इसके अंदर डेटा पास करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या var html, और html में हम यहाँ पे चलते हैं कॉपी कर लेते हैं टेबल में से, ओके। सो टेबल में से पहले ये डेटा कॉपी कर लेते हैं लाइक और इसके अंदर हम पास करेंगे क्या डेटा डॉट आई डी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डाटा डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम,
फिर डेटा डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर एज, और क्या होगा डेटा डॉट एड्रेस, ठीक है। तो ये डेटा होगा, और हमने एक आईडी अपेंड करी हुई है, डाली हुई है टेबल के अंदर, तो इसी को अंदर हम एचटीएमएल एलिमेंट को पेस्ट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू एचटीएमएल। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन हमारा डेटा को अपेंड कर देगा। तो अब हम चलते हैं, और एक बार पहले तो कंसोल डॉट लॉग हम डेटा करवाते हैं, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसमें पहले तो 5 लोग का डेटा क्रिएट करते हैं, तो वेब सॉकेट को कनेक्ट करा देते हैं। प्रिंट अवेट डिसकनेक्टेड, नेम टोटल इज नॉट डिफाइंड, लाइक थ्रेड में जाना पड़ेगा। सेल्फ डॉट टोटल, नेम टोटल इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे एरर आ रही है, एक सेकेंड। टोटल नेम टोटल इज नॉट डिफाइंड, आई डोंट नो, पता नहीं क्या आ रहा था। कंट्रोल एस दबाया, सब कुछ चलने लगा। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं लाइक अपना ट्यूटोरियल, और यहाँ पे देखो कनेक्शन बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे इस पेज को रीलोड करते हैं, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा आना स्टार्ट हो गया है। ओके, आवाज़ एक बार फिर से, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो आवाज़ देखो, आवाज़ सॉरी, तो ये डेटा हमारा आने लगा है ना, करंट और ये जो भी डेटा था हमारा, वो अब आना स्टार्ट हो गया है। तो इसी फंक्शन को अब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो इफ़ डेटा डॉट पेलोड, अगर हमारे पास डेटा डॉट पेलोड नाम से कोई की वैल्यू है, तो फिर ऐड डेटा नाम से फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर डेटा डॉट पेलोड पास कर देंगे। अब फिर से एक बार इसको रीलोड करते हैं, और फिर से इसको रीलोड करते हैं, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे डेटा आना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे हम बैकएंड से आईडी तो भेज नहीं रहे हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे फुलफ़िल कर लेते हैं। लाइक आईडी की जगह पे हम यहाँ पे पास कर सकते हैं करंट टोटल, जो कि ज़्यादा सही रहेगा। तो एक बार फिर से करते हैं रीलोड। अब फिर से हमने रीलोड किया, तो तुम देख सकते हो ये डेटा आना स्टार्ट हो गया है। तो स्टीफन हैमिल्टन 12 ये एड्रेस हो गया। अब हमें ये परसेंट कंप्लीट वाले पे ध्यान देना है, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे इंक्रीज प्रोग्रेस करके, फंक्शन इंक्रीज प्रोग्रेस, और ये लेगा तुम्हारा क्या टोटल, और ये लेगा करंट अंडरस्कोर टोटल। ओके, अब हमें क्या करना होगा, जो ये प्रोग्रेस बार है इसे ग्रैब करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे करेंगे क्या, var element इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और डॉट प्रोग्रेस बार। उसके बाद में हमें यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, var percent लिखेंगे क्या, करंट टोटल इनटू टोटल डिवाइडेड बाय 100, और एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विद इक्वल टू परसेंटेज प्लस ऑफ ये, और ये जो हमने कंप्लीट करके एक आईडी और बनाई हुई है, जो यहाँ पे दिखाएगा कि कितना परसेंट अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंप्लीट डॉट इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल हम यही चीज़ें इक्वल टू कर देंगे, और ये कंप्लीट नाम से आईडी ये भी होनी चाहिए, कंप्लीटेड है, ठीक है। तो आई थिंक अब चीज़ें काम करेंगी, लाइक 5 हमने कंप्लीट किया है, तो ये अभी प्रोग्रेस बार क्यों नहीं काम किया, क्योंकि हमने इस फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया है। तो इंक्रीज प्रोग्रेस नाम से जो फंक्शन है,
इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने डेटा के नीचे, और इसके अंदर जो की वैल्यू में डेटा आ रहा है उसे हम पास करेंगे। लाइक पहला जो हमारा डेटा है टोटल, टोटल हमारा ये है और करंट टोटल, और ये जो इसमें हम पास कर रहे हैं क्या, टोटल पहले करंट टोटल बाद में। तो डेटा डॉट पेलोड डॉट टोटल और डेटा डॉट पेलोड डॉट करंट टोटल, ठीक है। तो अब इसको करते हैं रीलोड। तो आई थिंक ये परसेंटेज हमारा गलत कैलकुलेट कर रहा है। इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, करंट टोटल इनटू टोटल डिवाइडेड बाय 100, करंट टोटल डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला लगेगा, करंट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार फिर से रीलोड करते हैं और आई होप ये चीज़ें अब काम करेंगी। हमने किया 10 का पास, तो अब देख सकते हो इस तरीके से डेटा हमारा क्रिएट हो रहा है, 50%, 60%, 70%, और ये सारा डेटा तुम्हारा बैकएंड से आ रहा है चैनल के थ्रू। वेब सॉकेट कंज्यूमर यूज़ करते तो नहीं होता, एसिंक जेसन वेब सॉकेट कंज्यूमर यूज़ किया है तो इसलिए ये काम कर रहा है। लाइक अब हम इसमें बहुत ज़्यादा डेटा एक्सटेंसिवली क्रिएट कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से हमें इसको रीलोड करना पड़ेगा और करते हैं यहाँ पे ये, अब तुम देख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इस चीज़ को हम यहाँ पे पास इंट कर देंगे, ओके। सो पास इंट करने से क्या होगा, जो ये कभी कभी 66 ये सब लिख करके आ रहा है, ये चीज़ें नहीं लिख करके आएंगे। अभी तक हमने 60 का किया हुआ, तो 60 का कंप्लीट हो जाने दो। और यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप भी हटा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ओके। सो अब करते हैं फिर से रीलोड, और अब इसमें हम पास करते हैं डेटा 10,000 का, 10, 1, 2, 3, 5, 1, ठीक है। तो अब ये देखो डेटा कैसे क्रिएट होगा, अभी हमने कितना इसमें पास किया था, 1 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख। तो तरीके से तुम लोग जांगो की मदद से लाइक एक्सटेंसिवली डेटा, रियल टाइम डेटा क्रिएट कर सकते हो। और ये देखो ऑटोमेटिकली डेटा क्रिएट हो रहा है 71, 72 करके, और हमारा प्रोग्रेस भी काम कर रहा होगा। लाइक जब ये 100 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा तो शायद 1% होगा, ओके। सो ये था आज का वीडियो, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, और डेफिनेटली क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।